ये जिस घर में रहते हैं आप ये पीछे देख सकते हैं, ये चिन्योट का सबसे बड़ा घर है। 48 किनाल पर मुश्तमिल है। अगर एकड़ में बताऊं तो ये तकरीबन 6 एकड़ बनते हैं, जहां पर एक बड़ा आपको घोड़ों का अस्तबल, नायाब और महंगे हिरन, एक बड़ी मस्जिद और इसी के साथ स्विमिंग पूल और इतना बड़ा गैरेज है जहाँ पर ये गाड़ियाँ अपने पास रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, ये चिन्योट की तहसील भुआना के नौजवान हैं साकिब खान चद्दर, जिनके पीछे ये आप बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं जिनमें मर्सिडीज, फोर्ड, GMC, लेक्सस, कैमरी समेत वो तमाम गाड़ियां जो के इमरान खान साहब के साथ लाहौर से इस्लामाबाद पेशी के मौके पर काफिले में उनके साथ मौजूद थी। ये 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ियां इमरान खान साहब के साथ लेकर गए, एक पूरी यकजहती का मुजाहरा किया गया। इमरान खान ने मोटरवे पर इनको कॉल करके कहा कि अपनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल और काफिला मेरी गाड़ियों के साथ लगाओ। की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें इन्होंने लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे को चौप करके गाड़ियां वहां पर लगाकर फूलों की पत्तियां अपने हाथ में पकड़े खान साहब को जिस तरीके से सल्यूट किया, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अरबी नस्ल का एक बड़ा शानदार खूबसूरत नस्ली घोड़ा है जो कि 1 करोड़ रुपए में इन्होंने बाय एयर यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है, जिसकी खूबसूरती चाल ढाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ये चलता है तो इसकी गर्दन पर मौजूद बाल रोंगटों की तरह खड़े हो जाते हैं, जबकि जो इसकी टेल है वो मोर की तरह ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा लेता है। इसकी खूबसूरती को मजीद जो चीज इन्हांस करती है वो इसके नाखून है। इसके 3 नाखून जो है वो येलो रंग के हैं, जबकि जो चौथे पांव का नाखून वो काला है। ये जिस घर में रहते हैं आप ये पीछे देख सकते हैं, ये चिन्योट का सबसे बड़ा घर है, 48 किनाल पर मुश्तमिल है। अगर एकड़ में बताऊं तो ये तकरीबन 6 एकड़ बनते हैं, जहां पर एक बड़ा आपको घोड़ों का अस्तबल, नायाब और महंगे हिरन, एक बड़ी मस्जिद और इसी के साथ स्विमिंग पूल और इतना बड़ा गैरेज है जहाँ पर ये गाड़ियां अपने पास रखते हैं। इनका ये कहना है कि अगर इमरान खान दोबारा इक्तदार में आकर वजीर आजम बनते हैं तो उनकी बग्गी के आगे इस घोड़े को लगाया जाएगा और शहरे दस्तूर पर उनको घुमाया जाएगा और ये घोड़ा मैं खान साहब को गिफ्ट कर दूंगा। ये जो पीछे आप रेड कलर का फोर्ड डाला देख रहे हैं, ये रेगिस्तानों में चलता है और GMC गाड़ी जो 6 करोड़ रुपए की थी, वो काफिला जब मोटरवे पर साल्ट रेंज पर पहुंचा तो खान साहब के काफिले को गाड़ियों को एक हादसा पेश आया था, जिसमें इनकी वो 6 करोड़ रुपए की जो गाड़ी है वो बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ और इस वक्त वो वर्कशॉप में खड़ी है। लेकिन कहना यही है कि खान पर मेरी जिंद जान सब कुछ कुर्बान है। साकिब साहब, इतनी मोहब्बत क्यों है खान से, इतनी गाड़ियां क्यों लेकर गए? क्योंकि खान साहब एक सच्चा लीडर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खान साहब के हाथ में। इतनी महंगी गाड़ियां जब आप लेकर गए हैं उनके पास, तो काफिले में जब शमूलियत इख्तियार की तो खान साहब का क्या रिएक्शन था? खान साहब ने अपने PA को कहा कि चद्दर को कहो कि गाड़ियां लीड करें। जब हम इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे एंटर हुए तो मेरी गाड़ियां फ्रंट उनको लीड कर रही थी। आपका एक सल्यूट जो है, आपका जो सलाम है, वो बड़ा वायरल हुआ है, उसके पीछे क्या हकीकत थी? मैंने सोचा कि आज खान साहब की गाड़ियां मैंने मोटरवे के ऊपर रोक के उनको आज सल्यूट करना है, क्योंकि वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है और वो हमारी एक रेड लाइन है। वो जो 6 करोड़ रुपए की आपकी GMC थी, ये फोर्ड गाड़ी भी है जो कि लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था और आपका तकरीबन कितना नुकसान हुआ? मेरी 2 गाड़ियां लगी थी, एक लेक्सस लगी थी, एक GMC लगी थी। इस घोड़े का क्या करेंगे आप और ये किस लिए मंगवाया आपने? ये घोड़ा जर्मनी से इम्पोर्ट हुआ है, अराउंड 1 करोड़ का हमें कॉस्ट किया है। तो ये इंशाल्लाह ताला जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मैंने उनको ये गिफ्ट करना है, उनकी बग्घी के आगे ये लगाना है घोड़ा। गाड़ियों की अगर मैं कुल मालियत आपकी देखूं तो तकरीबन कितनी बनती है? तकरीबन 80 करोड़ के करीब पड़ती है ये, मुझे 1 अरब रुपए के करीब बन जाते हैं। हाँ जी, 1 अरब। इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला लेके गए थे, कारकुन इतने ज्यादा थे, कितना पेट्रोल लगा आपका लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर लाहौर? खान साहब के ऊपर तो मैंने कभी गिना ही नहीं है कि कितने पैसे लगे या कितने नहीं लगे। खान साहब के ऊपर जान भी कुर्बान है, आप पैसों की बात करते हैं।
जी मुझे ये लगता है ये अलीम खान जहांगीर तरीन और सरदार तनवीर साहब से भी बड़ी खान साहब की एटीएम है। अब ये मुस्तकबिल में ही पता चलेगा कि खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं या ये घोड़ा यहीं का यहीं रह जाएगा। ये घोड़ा जिस तरीके से मुझे देख रहा है, मुझे लग रहा है काफी डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम वहीं पर छोड़ दें जो अस्तबल में, इसकी जगह अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।